जिया तैयार है, क्रियांश भी तैयार है। बाहर जाने के लिए जिया यहाँ पर तैयार हो गई है और बहनें सभी अपना हो रही है तैयार। तो हम लोग जी पहुँच गए पनकी धाम मंदिर, हम और हमारी बहन उपासना तो आ गई है, इंतजार कर रहे हैं मम्मी के आने का, जिया के आने का। सभी लोग जी ले लिए हैं अपना अपना प्रसाद और चल रहे हैं अब दर्शन करने के लिए। तालाब का नाम कछुआ तालाब क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। वो देख रहे हैं सामने, हम आए हुए हैं जी अपने भैया के यहाँ और यहाँ पर जो है खरीदारी में कोई कमी नहीं है। भाभी जी से पहली बार मुलाकात हुई ना? हाँ, पहले कभी नहीं मिले थे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी पिछले ब्लॉग में देखा होगा आपने कि हम आ गए हैं अपने मामा जी के घर और आज हम लोग जो है कानपुर का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है पनकी धाम मंदिर, तो हम लोग वहां पर जाने वाले हैं आज और सभी लोग जो है कि करके तैयार हो रहे हैं। मम्मी गई हुई है नहाने के लिए, बहन सब तैयार हो चुकी है, जिया तैयार है, क्रियांश भी तैयार है, बस तैयार होना जो है बाकी रह गया है हमारा। देखिए करके जो है सभी लोग तैयार होंगे फिर निकलेंगे। और क्रियांश ये क्या कर रहा है तुम? इधर क्रियांश का अपना चल रहा है इधर से उधर और यहाँ पर जितना भी सामान सब है सबको जो है ऊपर कर दिया गया है। यहाँ भी पहले किताब सब रखा हुआ था तो सारा किताब सबको जो ऊपर कर दिया गया है ताकि वहाँ तक हाथ नहीं रहे और वहाँ भी नहीं, यहाँ से भी सारा किताब जो ऊपर किया गया है क्योंकि क्रियांश जो है इसको भी खोल लेता है। देख रहे हैं आप, खोल के देखेगा कुछ है तो नहीं अंदर, बस एक किताब मिल गया। हाँ आप उसको उठा करके फेंक देगा, ये दे देना क्रियांश इधर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। इसको रख देते हैं अभी इधर। और मामा जी आपका गेम चल रहा है, कौन सा गेम है? कैंडी क्रश। कैंडी क्रश, अच्छा अच्छा। तो मामा जी भी जो है कैंडी क्रश के फैन है। बैठे बैठे क्या करेंगे, तो कुछ तो करना ही, बिल्कुल कुछ ना कुछ टाइम पास सब हो जाता है, सही बात है। और ये देखिए जी अपनी दादी को बिजी रख रहा है, ये क्या किया अंदर में सारा ड्यूटरेंट का बोतल सब फेंका हुआ है। तो मोबाइल फेंक दिया, दीदी का होगा उजला वाला, अरे दीदी का मोबाइल के पीछे पड़ा रहता है। बस 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 यही चल रहा है इसका। क्रियांश बहुत देर से अपना व्यस्त है, सभी लोग अपने काम में लगे हैं और क्रियांश अपने काम में लगा हुआ है। ये देखिए क्या क्या जमा है इसमें, शायद पेन स्टैंड है और यह क्या है पता नहीं, कोई डब्बा है ये शायद और जितना पेन है। अब उसके बाद देखिए इसका क्या असर होगा। बस 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 यही करना है क्रियांश को। हो गया। तो अपने दादाजी के घर में आके ये अपना तबाही मचा रहा है। हम लोग तो रोज देखते हैं ही पिक्चर और अब जो यहाँ पर थोड़ा सा अपने दादाजी को भी दिखा रहा है पिक्चर, ये देखे। हाँ और कुछ चाहिए क्या, कमी रह गया किसी चीज में? हाँ हाँ। बाहर जाने के लिए जिया यहाँ पर तैयार हो गई है और बहनें सब भी अपना हो रही है तैयार। माँ लगता है पहले से तैयार होकर के बैठी हुई है और क्रियांश भी एकदम तैयार है ही। दूसरी बार ड्रेस चेंज किया, एक तो भिगा लिया अपना पीला वाला, अच्छा कितना था वह स्वेटर। अच्छा ये दिया जो है फ्रांसेफ है। 20 minutes later. तो सभी लोग जी हो गए हैं तैयार और अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो वहाँ पर तो सभी लोग हैं जी, वो सभी जाने वाले हैं ऑटो से या टैक्सी जो भी होगा और हम अपना यहाँ पर उठा रहे हैं क्या स्कूटी, चलो स्कूटी ले लेते हैं फिर। A few moments later. तो हम लोग जी पहुंच गए हैं पनकी धाम मंदिर, हम और हमारी बहन उपासना तो आ गई है, इंतजार कर रहे हैं मम्मी के आने का, जिया के आने का, मामी के आने का, सीलू के आने का। तो वो सभी लोग जो है शायद रास्ते में ही है, तो वो लोग जब आएंगे तो साथ ही मंदिर चलेंगे। तो क्रियांश जो यहाँ आते आते सो गया, स्कूटी में बैठा हुआ था बीच में और सो गया क्रियांश। तो सभी लोग जी आ गए और क्रियांश भी फिलहाल अपना अच्छा है सोया हुआ है, तो शांति से जो है सब लोग पूजा कर लेंगे। उसे क्रियांश जगा रहा था तो ये भी बहुत खुश होता, उसको मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है। हमको यहीं का ध्यान है, जब रहते थे यहाँ कानपुर में तो हर मंगलवार को आती थी ये सब पूजा करने के लिए। अच्छा। तो हम बोलते थे आज तो मंगलवार है, हाँ। तो प्रसाद आया होगा। बिल्कुल उपासना मंगलवार नहीं ना आज। और शनिवार है तो हर मंगलवार को यहाँ से जो है प्रसाद जाता था और खाते थे हम। और यहाँ है वह दुकान जहाँ से हमेशा प्रसाद लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं। रुको बोल दिए, देख लो अभी पैसा नहीं देना, मंदिर से आके देना। अच्छा ठीक। अच्छा एक पहले वो भी लेते थे नहीं तो बूंदी याद है? हाँ। और मंगलवार को जाता था वो तो भंडारा में, भंडारा में। अच्छा वो फ्री वाला था भैया, जल्दी दे दीजिए 12 बज जाएगा मंदिर बंद हो जाएगा। अच्छा यही खोले, जूता सर खोल लेते हैं।
सभी लोग जी ले लिए हैं अपना अपना प्रसाद और चल रहे हैं अब दर्शन करने के लिए। हाँ चलो इधर ही है, तो चलते हैं अंदर। सभी की जी यहाँ पर पूजा हो गई और पूजा करके हम लोग चल रहे हैं मंदिर के दूसरे छोर पर और वहाँ चल करके हम लोग करते हैं पूजा। तो हम लोग जी यहाँ से दर्शन करके निकल ही रहे थे कि हमें जो है अपनी YouTube फैमिली के एक मेंबर मिल गए। क्या नाम है आपका? साधना। साधना जी, ये मेरी बुआ जी। आपकी बुआ जी है, तो साधना जी मिल गई और काफ़ी अच्छा लगा मिलके। और भगवान के द्वार पर जो है अपने एक फैमिली मेंबर मिल गए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है जी। हाँ आपके बाद अच्छा लगा, हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। यहीं पर एक घर आपका पंखी में, चलिए जी काफ़ी अच्छा लगा। A few moments later. अरे थी हम लोग एक घंटा से आए हुए हैं। एक घंटा से? सच में 11 बजे आ गए थे, जैसे आपको ब्लॉग देखा था तुरंत स्टोरी देखी तुरंत ही हम लोग आ गए। अच्छा, हम लोग यही पंकी में बिठा लेंगे, बगल में पड़ोसी। बताइए, हम सगी बड़ी बुआ है। अच्छा, हम लोग इन्हीं के पास आए हैं। हाँ, शादी है ना किसी की? शादी थी ऐसे, हम लोग आए थे दर्शन के लिए। अच्छा, पैसा दी? तो किसी भी मंदिर में लोग सोच के नहीं जाता है। सही, भगवान की जो बुलाहट हो जाती है तो स्वतः यात्रा बन जाता है। उसी रूप में हम चले आए, एक बार आए थे कि भगवान जिस चीज़ को मांगने आए थे आज उस चीज़ हम नज़र से देख रहे हैं, तो उनकी दया हुई तो वो भी पूरा हो गया। और आज स्पेशली एक माँ आई है और एक फुआ आई है, जो भगवान ऐसा ही दोनों का दिन करे। मेरा एक बेटा है, एक भतीजी है, जो उन दोनों को देख करके दुनिया को लालच हो, इसलिए प्रार्थना करते हैं मेरे बच्चे के साथ आप सबके बच्चे के लिए सुनेंगे। तो हम लोग जी पंकी मंदिर में पूजा कर ली और वहाँ पर जो है पूजा करने के बाद हम लोग आ गए हैं एक तालाब के पास, जिस तालाब का नाम है कछुआ तालाब। तो इस तालाब का नाम कछुआ तालाब क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। वो देख रहे हैं सामने, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। तुमको स्टैचू लगा क्या? ओरिजिनल है वो, हमको भी ऐसे ही लगा था। किसका नाम कछुआ तालाब है तो कछुआ जो है स्टैचू सब कुछ रख दिया होगा, हमको ऐसा ही लगा। लेकिन उसका तो देखे ना सर हिलते हुए, हिल रहा है ना, वो धूप सेक रहा है। लेकिन सर भी अपना हिलाता नहीं है ज्यादा, ये लोग देख रही है एक चीज। हम सोचे कि स्टैचू है पत्थर का, हम भी वही स्टैचू ही सोचे थे। तो देख सकते हैं जी, तो कछुआ तालाब क्यों है तो वो इतना दिख गया। और कछुआ भी ढेर सारा है वहाँ पर, वो तो बड़ी बड़ी कछुए हैं। कुछ कुछ देखिए वहाँ छोटे छोटे कछुए मिलेंगे आपको, देख रहे हैं छोटे छोटे सब भी कछुए हैं वहाँ पर। इतना बड़ा बड़ा कछुआ तो हम समुद्र सब में जानते थे, तालाब सब में कैसे आ गया इतना बड़ा? यहाँ पे था पहले से, पहले से ही था। 200 साल पुराना कछुआ, इसी वजह से इसको रिनोवेट करवाया जा रहा है फिर से। अच्छा, कछुआ का लाइफ भी होता है ना 100-150 साल। वो देखो तुमको एक दार्शनिक हो गया ना, एक अच्छा स्पॉट हो गया। वहाँ दिख रहा है कछुआ तैरते हुए, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ओए डूब गया अंदर। तो यहाँ जी कछुआ तालाब तो है ही पीछे, लेकिन कछुआ तालाब के ठीक सामने जो है शंकर जी का जो है मंदिर भी है। तो चलते हैं वहाँ, चल करके सभी लोग पूजा अर्चना कर लेते हैं। तो सभी लोग जी यहाँ पर पूजा कर ली और क्रियांश भी हमारा पूजा कर लिया, हो गया पूजा क्रियांश। चलो पूजा करने के बाद चलते हैं, उसे इसको भूख लगा होगा क्योंकि दूध जो है बहुत देर पहले पिया है, अभी तक पिया भी नहीं है, तो अपना आधा घंटा करने के लिए। तो हम लोग पूजा करके आ गए और अभी आए हुए हैं हम, पास में ही हमारी भाभी रहती हैं, तो उनसे मिलने के लिए उन्होंने बोला था कि हाँ आओगी तो जरूर मिल के जाना। तो मैं मिलवाती हूँ आपको अपने भाभी से, भैया से, सबसे। और यहाँ क्रियान जो सिर्फ बदमाशी करता है, जहाँ जाना सिर्फ बदमाशी करना है। पंकी धाम मंदिर में जी हमने पूजा कर लिया और वहाँ से चले गए कछुआ तालाब, वहाँ भी घूम लिए, वहाँ भी शंकर जी का मंदिर था, वहाँ भी जो है भगवान के हो गए दर्शन।
और उसके बाद हम आगे जी अपने एक और रिलेटिव से हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ पर भैया है, तो हमारे भैया भी कानपुर में रहते हैं, तो आपको उस भैया से मुलाकात करवाते हैं और भाभी जी से भी मुलाकात करवाते हैं। हम आए हुए हैं जी अपने भैया के यहाँ, और यहाँ पर जो है खरीदारी में कोई कमी नहीं है भर के जो है, और यहाँ पर हमारे मिलिए भैया से, ये हमारे चिंटू भैया हुए, हमारे जेठ के बेटा है तुम्हारे चिंटू भैया, लेकिन इनके पापा हमारे जेठ हैं, वकील साहब के बड़े भाई हैं, उन्हीं का एक लड़का है, बिल्कुल, और हमारे बच्चे यहाँ रहते हैं, बिल्कुल, और हम लोग का जो है कानपुर में और भी है रिलेटिव, तो देख सकते हैं मामा जी हुए, एक भैया भी है हमारे, यहाँ आने के बाद अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, और जब बच्चों की खुशी देखी जाती है तो माँ बाप के लिए इससे बड़ा कोई समय नहीं। और भैया का भी स्टडी कटिहार में ही हुआ है ना आपका? जो उस खानदान में सबसे अच्छा बच्चा वही है, मेरा दोनों बेटा, मेरा दोनों बेटा जो है उसके सामने में कुछ नहीं, बिल्कुल हम लोग सभी, हम लोग का कल्चर ही ऐसा है कि हम लोग सब एक जैसे ही हैं, अनुशासन रहेगा, अनुशासन में ही रहते हैं, हमारे पापा लोग में ही अनुशासन है, हम लोग को तो सारे हमारे चाचा, हमारे सारे पापा, सभी उदाहरण दिया जाता है, दिया जाता है, अभी तक सभी लोग साथ हैं, बिल्कुल, पापा बड़े पापा के सामने नहीं आ पाते हैं, चाचा पापा के सामने नहीं आ पाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हम लोगों में वही चीज हम लोगों का भी है, ऐसा कल्चर हम लोग का है जो अपना भी बात वहाँ नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। तो यहाँ पर जो तीन पीढ़ी एक साथ हो गया, मम्मी अलग पीढ़ी और हम लोग अलग पीढ़ी, और यहाँ क्रियास अलग पीढ़ी, एक पोता मेरा अभी स्कूल में, अच्छा लिखित स्कूल में, क्या अभी लिखित स्कूल में, एक पोता मेरे स्कूल में। तो यहाँ पर जी बातचीत का तो सिलसिला चलता ही रहेगा, और फिलहाल भाभी जी जो इतने प्यार से बनाए हुए इडली और सांभर, उसको खाया जाए ठंडा नहीं हो जाए, ठीक है, तो खाने की बात जब आती है तो सोनू दुनिया कुछ नहीं देता, बिल्कुल, इसलिए हमको भाभी जी की आना बड़ा अच्छा लगता है, भाभी जी की जब भी आती है खूब खातिरदारी होती है, पहले भी बताएं भाभी बहुत खिलाती है, अरे जल्दी आओ जल्दी आओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, और इधर तुम लोग का खाना हुआ, तो तुम लोग का हो गया खाना, तो यहाँ पर इन लोगों का खाना हो गया, और इसके बाद जो है हम लोग कहीं चलेंगे अभी घूमने फिरने के लिए, कैसा लगा भैया के यहाँ के? बहुत अच्छा लगा, भाभी जी से पहली बार मुलाकात हुई ना? हाँ, पहले कभी नहीं मिले थे।